2022 में प्रवेश करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं दोस्तों। पर मैं जानता हूं कुछ लोगों के मन में कुछ और ही चल रहा होगा कि क्या नया वर्ष, कोई मतलब नहीं है, कुछ बदलना तो है नहीं, सभी परेशानियां तो रहेंगे ही। किसी को पढ़ाई का टेंशन, किसी को पैसे का टेंशन, किसी को जॉब का टेंशन, किसी को EMI का टेंशन, तो किसी को रिलेशनशिप का टेंशन, इसका टेंशन है, उसका टेंशन है, बस टेंशन ही टेंशन है। इसलिए कुछ लोगों को नए साल से कोई मतलब ही नहीं है, और यही सच है। आपकी सोच एकदम सही है, पर बस सोच कर बैठ जाना गलत है। आप सोच रहे होंगे कि क्या गलत है। आप इसलिए गलत हो क्योंकि आप बस प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहे हो, सॉल्यूशन के बारे में आपने सोचा ही नहीं। क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि सबसे पहले इंसान के मन में नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। मैंने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर एक वीडियो भी बनाया है उसके सॉल्यूशंस के साथ। यकीन ना आए तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना, आपको लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलो आज इन सभी प्रॉब्लम को कुछ देर के लिए नए नज़रिए से सोच कर देखो, देखते हैं क्या होता है। यार नया वर्ष आ गया है, पुराने सालों में तो कुछ बदला ही नहीं जिससे कुछ भी अच्छा हुआ हो। पर इस साल जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे किसी को पढ़ाई का टेंशन, किसी को पैसे का टेंशन, किसी को जॉब का टेंशन, किसी को EMI का टेंशन, या फिर किसी को रिलेशनशिप का टेंशन, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, आप ये सोचो कि इस साल मैं इस प्रॉब्लम को ख़त्म करके रहूँगा। चाहे कुछ भी हो, इस साल एक टारगेट बना लो कि सबसे पहले आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाओगे, फोकस होकर बस इसी पर ध्यान दोगे। क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है ना, तो फिर उसको पूरा करके ही मानता है। एग्जाम्पल के लिए, भले ही आप रोज 8 बजे या 9 बजे उठते हो, पर जिस दिन आपको किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए कहीं जाना हो, जैसे एग्ज़ाम, ऑफिस मीटिंग या कहीं बाहर, अगर आपको 4 बजे भी उठना पड़े तो आप उठ ही जाते हो, क्योंकि तब आपके लिए वो काम जरूरी होता है। आप उस काम को अटेंशन देते हो जिससे आप उसको पूरा भी कर पाते हो, और यही अटेंशन आपको आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में भी देना होगा। आपको प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाना है कि उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, और उसका जो भी सॉल्यूशन है, सबसे पहले आपको उसी पर काम करना होगा। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं होगा, पर अगर आपने इग्नोर करने की जगह फोकस किया ना, तो देखना 2022 में आप सब ठीक कर लोगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, बस आपको भी खुद पर भरोसा होना चाहिए। नकारात्मक विचार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे पहले अपने मन से इसे निकालना होगा। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं उनको भी खुद से दूर ही रखना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही आपका बहुत सारा काम नहीं हो पाता है जो आप करना चाहते भी हो, क्योंकि उनकी सोच आपके सोच पर हावी हो जाता है, जिससे आप भी नेगेटिव हो जाते हो। क्योंकि आप कुछ भी करने से पहले अपने आसपास के लोगों का विचार जरूर पूछते हो, और अगर वो किसी चीज़ के लिए नेगेटिव बोल देते हैं तो आपका मन भी वही मान लेता है, भले ही वो काम सही हो फिर भी से। इसलिए जो करना है अपने मन से और पूरी तरह जानने के बाद ही फैसला लेना होगा। तो दोस्तों 2022 आपके लिए एक नया सोच लेकर आया है, जिसमें आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को अलविदा कहने वाले हो और आप एक खुशहाल जीवन जीने वाले हो। नया वर्ष है, नई सोच है, परेशानी जो भी है करनी खामोश है। मैं जीरो मोटिवेशनल आपके जीरो से हीरो बनने तक के सफ़र में आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।